बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ट्विटर पे ही जोर जमीनी स्तर पर बौकाल मचा रखा है। जिन मुद्दों पर अपोजिशन को अपने मुद्दों को दिखाना चाहिए वह मुद्दे बहन जी दिखा रही हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में होने वाले अभी जो चुनाव हैं उसके लिए उसकी तैयारी बोल लीजिए या बहुजन समाज के चिंतकों की बात कर लीजिए। बहन जी लगातार दलित समाज की बात कर रही हैं, अत्याचार के मुद्दों पर बात कर रही हैं, राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में जो उन्होंने करी है, छत्तीसगढ़ में सत्तामी समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हुई उस मुद्दे पे बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही हैं बहन जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात कर रही हैं, कुवैत पे बात कर रही हैं, अग्निकांड पर बात कर रही हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर बात कर रही हैं, सेंगोल पे बात कर रही हैं, नेता प्रतिपक्ष के भाषणों पे लगातार बात कर रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम खेलने लग रहे हैं उन पे भी लगातार बात कर रही हैं, हरिद्वार में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ उस पे बहन जी बात कर रही हैं, सारे नेताओं को जो मुद्दे उठाने चाहिए वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती उठा रही हैं। देखिए बहन जी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं उठाती थी, पहले भी लगातार वो मुद्दे उठाया करती थी, मगर जो बहन जी के विरुद्ध कुप्रचार था जो तथाकथित बहुजन मीडिया से लेकर के गांधी मीडिया और जो गोदी मीडिया उनके खिलाफ प्रचार करता था, तो उसकी वजह से वो थोड़े दबे रहते थे। लेकिन बहन जी ने इस समय जो खास तौर पे अभी जो पिछले एक महीने के अंदर अंदर जो उन्होंने ताकत के साथ जो सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो जनरल खाली दलित का नहीं जनरल लोगों का भी, चाहे नीट का पेपर का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी का मामला हो, चाहे वो बिहार में जो पुल गिरे हैं 10-12 लगातार पुल गिरे हैं उनके अव्यवस्था का भ्रष्टाचार का मामला हो उसको उठाया, और सबसे बड़ी बात यह कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा सदन में होनी चाहिए थी, संसद में होनी चाहिए थी, और जो मुद्दे वहां उठाए जाने चाहिए थे वहां विपक्ष फेल रहा उन मुद्दों को उठाने पे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उनके जो फेलियर थे उस फेलियर को उठाने में नाकाम रहा, वो बहन जी ने मुद्दा उठाया बाहर रह करके, और उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है इसमें बहुत सारी चीजें झूठ है और बिल्कुल जमीन पर नहीं है वो बातें जो उन्होंने कही है। तो बहन जी ने बड़ी मजबूती से और ताकत के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बेबाक टिप्पणी करी और ताकत के साथ उस मुद्दे को उठाया। देखिए होना ये चाहिए था कि विपक्ष को और जो विपक्षी दल हैं, जो तथाकथित इंडिया गठबंधन बना हुआ है जिसने कि संविधान के नाम पर और बाबा साहब के नाम पर वोट दिया, उसको वहां पर उसको मजबूती से उन मुद्दों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन मुद्दों को उन्होंने हिंदुवाद में गौण कर दिया और बीजेपी को मौका दे दिया कि वो अपने हिंदुवाद को फिर दोबारा से उठा करके मजबूती में आए। और उसी के साथ साथ बहन जी ने जो अत्याचार के एट्रोसिटीज के SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज के जो मुद्दे उठाए, चाहे हरिद्वार में वो नाबालिग बेटी के विरुद्ध, चाहे वो रेप हुआ हो, दरिंदगी हुई हो, उस मुद्दे को मजबूती से उठाया, चाहे छत्तीसगढ़ में सतनामी जो समाज है उनके खिलाफ जो एट्रोसिटी हुई है उसको बड़ी मजबूती से उठाया है, और बहन जी ने हर मुद्दे को लगातार उठाया। और दूसरी बात, बहन जी अब इस समय पूरी तरह फॉर्म में दिख रही हैं, और जैसे कि तमिलनाडु के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर हुआ है पूरी निर्ममता के साथ और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रहा है वहां का तमिलनाडु सरकार का, बहन जी ने वहां पहुंच करके वहां पर तमिलनाडु सरकार को पूरी तरह घेरा है, और उसका फर्क ये हुआ कि बहन जी के जाते ही मुख्यमंत्री स्वयं उनके आर्मस्ट्रांग के वहां पर घर पे जाके उनके परिवार को संतावना देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये बहन जी की शक्ति है, ताकत है, बहन जी के शब्दों की, बहन जी के कार्यों की, बहन जी के विचारधारा की और उनके संघर्षों की ये ताकत है कि वो थोड़ा सा भी मूव करती है तो तमाम मीडिया से लेके तमाम पार्टियों के नेताओं से लेके प्रशासन सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये शेरनी क्या बोल रही है, बहुजन शेरनी, क्योंकि बहन जी के उसमें इतनी शक्ति है, उन्होंने इतना काम किया है, इतना इतना उनका त्याग है कि सबको पता है उनकी ताकत के बारे में, बहन जी के ताकत के बारे में। तो बहन जी इस समय पूरी तरह चौतरफा वो अपने समाज और तमाम उन गरीब समाजों के लिए आवाज उठा रही है, उनके हक में आवाज उठा रही है जिनको कि विपक्षी दलों को उठाना चाहिए, जिन्होंने झूठ बोल करके वोट ले लिया और जो चुनाव जीत गए संसद में पहुंच गए वो उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, और बहन जी उन मुद्दों को उठा रही है बाहर रह करके। तो ये उनके लिए शर्म की बात है कि और उनको बहुत ही ज्यादा सोचना चाहिए कि आप लोगों ने गुमराह करके वोट लिया दलितों का, कमजोरों का, महिलाओं का, संविधान बचाने के नाम पे बाबा साहब की फोटो दिखा करके, और तुम कर क्या रहे हो वहां पे सदन में, क्या कर रहे हो विपक्षियों को, और उल्टा मौका दे रहे हो बीजेपी को आप भोले बाबा की वहां फोटो दिखा करके,
धार्मिक गुरुओं की फोटो दिखा करके, भगवानों की फोटो दिखा करके आपने मौका दे दिया बीजेपी को एक बार फिर अपने धार्मिक राजनीति को परवान चढ़ाने का। उन्होंने फिर दोबारा से ये पूरा सत्र लूट लिया बीजेपी वालों ने, और इसने विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया पूरे विपक्ष उसको संसद सत्र को, जिसमें कि मुद्दे उठाने चाहिए थे, वहां पर तमाम लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादा ही धोखा किया इसने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, जो इन्होंने बाबा साहब की फोटो दिखाई और संविधान की इन्होंने जो फोटो दिखा करके वोट लिए उसके नाम पे बचाने के। तो आपने क्यों नहीं कहा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए SC ST का? क्यों नहीं आपने SC ST की बात की? मुझे कोई दिखा दे राहुल गांधी के स्पीच में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का मुद्दा उठाया हो, एक बार भी नाम लिया हो। और उल्टे इन्होंने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने बाबा साहब के साथ एक और छल किया। जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो बाबा साहब की तस्वीर दिखा रहे थे सारे मंचों पर, और इन्होंने जब शपथ ली तो इन दोनों ने जय भीम नहीं बोला। बाकी यहाँ तक कि OBC साहब ने भी जय भीम बोला, मगर इन दोनों नेताओं ने जय भीम नहीं बोला। और जब तुम्हें फोटो दिखानी थी सदन में भोले बाबा की, तो चुनाव से पहले मंचों पे दिखाते ना वोट मांगते समय, वहां पर दिखाते कि मुझे भोले बाबा के नाम पे वोट दे दो, या मुझे धार्मिक गुरुओं के, गुरु नानक जी और उनके क्रिश्चियन भगवान के नाम पर मुझे वोट दे दो। वहां पर तो आप बाबा साहब की बात कर रहे थे और संविधान की, तो संविधान की बात क्यों नहीं की? संविधान को लागू करने की बात सदन में क्यों नहीं की? क्यों नहीं संविधानिक मूल्यों की बात कही? क्यों नहीं संविधान के विरुद्ध हो रहे इनके छल कपट की बात कही? क्यों नहीं इन्होंने जो वहां पर हिंदू राष्ट्र के जय बोली उनके विरुद्ध ये आवाज उठाई राहुल गांधी ने, की यहाँ पर जो संविधान की शपथ ले रहा, भारत के संविधान की शपथ, वो एक सांसद कैसे वहां जय हिंदू राष्ट्र कैसे बोल सकता है? उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई इन्होंने बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी जय हिंद बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी हिंदुवाद को, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आज जो बहन जी की भूमिका है वो वैसे सदैव से रही है, लेकिन आज जो भूमिका बहन जी की है वो अब अकेले उनके कांधों पर आ गई है, अकेले BSP सुप्रीमो के कांधों पर आ गई है, क्योंकि विपक्ष छल कपट से भरा हुआ है और वो उन्हीं उन्हीं सत्ताधारी पक्ष के ए पार्टी बी पार्टी के रूप में काम कर रहा है, ये बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। अब अकेली बहन जी जो काम कर रही है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी हो गई है, और पूरी तमाम गरीब और कमजोर और शोषित वंचित समाजों की जो जिम्मेदारी है उनकी आवाज उठाना, उनके लिए काम करना, और ये बहन जी के कांधे पे आ गया, क्योंकि बहन जी अकेली नेता बच गई है देश में जो कि बिल्कुल इन मनुवादियों से अलग होकर के वो मुखर होकर के अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है, और इन सबकी आवाज है कमजोरों की। तो इसीलिए बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहन जी इनको सबक सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो इन्होंने छल कपट किए, धोखेबाजी से हमारे लोगों को गुमराह कर लिया, उसका इनको खामियाजा इन मनुवादियों को उठाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।